ये आज का मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे कि किसानों से जुड़ने का एक स्टेट बैंक की तरफ से छोटा सा प्रयास है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज रायपुर रानी में इतने सारे लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज के मेले का पर्पज़ ये है कि हम किसान भाइयों को, किसान भाइयों के साथ जुड़े हुए जो भी उनके साथ के जुड़े हुए एसोसिएट काम हैं उनके साथ, या जो सरकार की लोगों को बीमा देने की सुविधा है, या जो सरकार की लोगों को कैश देने की सुविधा है, उस सब सुविधाओं से यहाँ पे अवगत करा रहे हैं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पे आज रायपुर रानी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आधा रायपुर रानी यहाँ पे है, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े और अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने प्रदेश के लिए पैसा कमाएं और देश की प्रगति में हिस्सेदार बने। किन किन योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई है, किस तरह के स्टॉल वगैरह से? देखिए, यहाँ पे जो सारे स्टॉल्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोग, हमारी जो ब्रांच के मेंबर्स हैं वो इनके साथ टच में रहेंगे। लेकिन जो मेजर जो मुद्दा है, जो हम बात बार लोगों को बता रहे हैं कि केसीसी किसान जो हमारे कार्ड हैं उसके लिए, केसीसी पशु जिसमें आप वो चारे के लिए लोन दिया जाता है, और ऑल एलाइड एक्टिविटी एग्री से रिलेटेड, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो बी पालन, हर तरह की सुविधा, साथ ही साथ उसके JLGs और स्मॉल हेल्प ग्रुप्स कैसे बना के आप अपना छोटा सा बिजनेस बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। SBI की तरफ से क्या आप इन लोगों से कहना चाहेंगे? SBI हमेशा से देश के किसानों के साथ जुड़ा रहा है, और स्कीम्स में बहुत ही सामान्य रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसमें सरकार 3% तक का सबवेंशन देती है, तो जो 4% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो हर तरह की स्कीम में भारतीय स्टेट बैंक चाहता है कि लोग आगे बढ़ के बढ़ें। यही हमारी तरफ से देश की तरफ एक छोटा सा जो है ना हमारा सहयोग है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है, इसलिए उनको यह सम्मान। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपने सुना होगा कि राधे राधे ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है, करीब 150 छोटे छोटे हेल्प ग्रुप यहाँ पे चल रहे हैं। श्री राधे अपना एक छोटा सा काम करते हैं, 3.5 लाख के आसपास का बैंक से लोन लिया हुआ है, और आज के कार्यक्रम में हमें पता चला कि वो छोटा सा काम और उसको बढ़ाना चाहते हैं, और बैंक उसको सहयोग करने के लिए तैयार है। JLG में महिलाएं डिसाइड करती हैं कि कौन सा काम करना चाहेंगी, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, पेपर मैशिंग, ऐसा कोई सा भी काम, और बैंक उनको सहयोग करता है। सर, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जो कि गांव में गरीब महिलाओं का बनाया जाता है, जिसमें सभी महिलाएं इकट्ठी होकर 10 से 15 लेडीज एक ग्रुप बनाती हैं, और उसमें 100 रुपये महीना जमा करती हैं। तो 100 रुपये महीना जमा करती हैं, उससे क्या होता है, एक बैंक में खाता खोला जाता है, जिससे कि हमें गवर्नमेंट हेल्प करती है, और हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है, कि उससे हम लोग अपना बिजनेस को बढ़ा सकें, घर से ही कोई छोटा मोटा काम शुरू करके उसको अपना रोजगार का साधन बना सकें और अपनी इनकम अर्न कर सकें। कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? पहले मेरे ग्रुप में 10 महिलाएं थी, अब मेरे ग्रुप में 14 महिलाएं हैं। बैंक की तरफ से कोई लोन वगैरह आप लोगों को? हाँ जी, बैंक की तरफ से हमें अब तक 7 लाख का लोन मिल चुका है सर, डोज के हिसाब से। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप, किस तरह से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को शुरू कर सकती हैं? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी सर, कि घर में बैठे बैठे भी हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, और आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और घर बैठे हमने अपना जो हमारी नानी दादी जो काम किया करती थी, जैसे अचार का काम किया करती थी, पापड़ का काम किया करती थी, सिलाई का काम किया करती थी, बुनाई, उसी चीज़ को हमने अपना रोज़गार बनाया, और इतना रोज़गार बनाया कि हम लोग उसी काम से सक्सेस होके ग्रुप के थ्रू, अपने बैंक के थ्रू जो हमें लोन मिला था उसको बढ़ा करके हम लोग मार्केट में उतार पाए हैं, और अपना एक राधे राधे ग्रुप का नाम जो है उसे अव्वल कर पाए हैं। आपका नाम क्या है, कौन सा? मेरा नाम सुषमा रानी है, मेरा राधे राधे ग्रुप मेरे ग्रुप का नाम राधे राधे है, और मैं खेड़ी गाँव से हूँ। कम से कम 50 लेडीज़ मेरे साथ काम कर रही हैं। अभी लास्ट में जो नवरात्रे हुए थे मार्च में, उसमें हमें मनसा देवी से जो हम ब्रेसलेट बनाते हैं उसका 10,000 का ऑर्डर मिला था सर हमें, और वो हमारे धागे अभी शाइन बोर्ड कालका जाते हैं और मनसा देवी में जाते हैं, उससे अलग भी हम लोग अब और मंदिरों में भी ट्राई करेंगे। महिलाओं को क्या कहना चाहोगे, किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ें? महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि अपने ही काम को अपना रोज़गार बनाएं और घर बैठे रोज़गार शुरू करें। अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से भी टाई अप कर सकती हैं। मेरा नाम सुषमा रानी है, गाँव खेड़ी से हूँ, और 9729847981 मेरा मोबाइल नंबर है। धन्यवाद।